और 31 अगस्त मतलब आज संत आसाराम जी बापू को 7 साल पूरे हो जाएंगे। बापू जी की राह कितने बच्चे भी देख रहे हैं, आज 7 साल पूरा हुआ है। आज हमारे बापू जी को कारावास में गए हुए 7 साल पूरे होने वाले हैं। और हम बाल संस्कार के बच्चे बापू जी के आशीर्वाद और उनके लिए तड़प रहे हैं। बापू जी जल्दी कारावास में से बाहर आए, इसलिए हम रोज बाल संस्कार में हनुमान चालीसा का पाठ और आशा रामायण का पाठ करते हैं। अपने बड़ों को आदर देना, फिर तुलसी माता को जल चढ़ाना, सूर्य देव को जल चढ़ाना और वैसा सब हमको इधर सीखने को मिलता है। और हम बाल संस्कार के बच्चे उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए तड़प रहे हैं। और बापू जी जल्द से जल्द कारावास में से छूट जाए, हमारी सरकार से ऐसी मांग है। और हमारे बापू निर्दोष है, निर्दोष थे, निर्दोष रहेंगे। सरकार से ये बच्चे मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। आज 31 अगस्त है, आज हम खड़े संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर। और 31 अगस्त मतलब आज संत आसाराम जी बापू को 7 साल पूरे हो जाएंगे। वो जोधपुर जेल के अब अंदर बंद है और उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई। आज कुछ बच्चे आए और बाल संस्कार केंद्र के कमलेश भाई है, तो कमलेश भाई से हम जानेंगे। कमलेश भाई, आज 31 अगस्त है, आज ये बच्चे आए हैं। ये बच्चे आए हैं, बच्चे दर्शन के लिए तड़पते हैं। रविवार था तो आया, तो बच्चे भी बात करते थे कि भाई बापू जी कब बाहर आएंगे। तो बच्चे को अभी आप पूछो कि बापू जी की राह कितने बच्चे भी देख रहे हैं, आज 7 साल पूरा हुआ है, कल 8वें साल हो जाएगी, तो बच्चे के अंदर कितनी तड़प है दर्शन की, आप खुद बात करो तो पता चलेगा। क्या नाम? यशवी, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, मैं सूरत अड़ाजन में रहती हूँ। आज हमारे बापू जी को कारावास में गए हुए 7 साल पूरे होने वाले हैं और हम बाल संस्कार के बच्चे उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए तड़प रहे हैं। हम रोज बाल संस्कार में हमारे बापू जी जल्दी कारावास में से बाहर आए, इसलिए हम रोज बाल संस्कार में हनुमान चालीसा का पाठ और आशा रामायण का पाठ करते हैं। आपने बताया बाल संस्कार में कितने सालों से आते हो? मैं बचपन से ही आती हूँ। अच्छा, बचपन से आते हो। क्या यहाँ से सीखने को मिला, क्या देखने को मिला? हमें मम्मी पापा का आदर करना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, तुलसी माता को जल चढ़ाना चाहिए और रोज जल्दी सुबह उठना चाहिए। क्या मांग करोगे सरकार से? कि हमारे बापू को जल्दी से कारावास में से बाहर लाए और हमारे बापू निर्दोष है, निर्दोष थे, निर्दोष रहेंगे। और भी बच्चे है, क्या नाम? हरिओम, मेरा नाम वंश है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, सूरत कतार गांव में रहता हूँ। आज हमारे बापूजी को कारावास में जाने वाले 7 साल हो रहे हैं और हम बाल संस्कार के बच्चे बापूजी के आशीर्वाद और उनके लिए तड़प रहे हैं, उनके आशीर्वाद के लिए। कितने सालों से आते हो मतलब बाल संस्कार में? हम 5-6 साल। 5-6 साल हो गए। क्या यहाँ सीखने को मिला, क्या देखने को मिला? हमको यहाँ पर माता पिता को पैर छूना, अपने बड़ों को आदर देना, फिर तुलसी माता को जल चढ़ाना, सूर्य देव को जल चढ़ाना और वैसा सब हमको इधर सीखने को मिलता है। आपने बताया बचपन से आते हो, तो फ्रेंड सर्कल में जाते हो, रिश्तेदार में जाते हो, तो ऐसा नहीं बोलते ये तो बापू के भगत है और बापू को तो जेल हो गई है, संकोच नहीं होता है? नहीं, मुझे ऐसा संकोच नहीं होता है। मुझे आज भी गर्व है मेरे बापू जी पे। क्या मांग करोगे सरकार से, प्रशासन से? सरकार से मेरी यही मांग है कि हमें बापूजी निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे और बापूजी जल्द से जल्द कारावास में से छूट जाए, हमारी सरकार से ऐसी मांग है। तो आपने देखा आज 31 अगस्त है, आज संत आसाराम जी बापू को 7 साल पूरे हो रहे हैं और संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास तक की सजा हो गई। लेकिन आज ये बच्चों का सरकार से ये बच्चे मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजन के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रप्तान न्यूज़।